जिससे उस सांप की आंखें पीली हो जाती है। अगले सीन में हम एक छोटे से सांप को देखते हैं जो समंदर में खाने की तलाश में भटक रहा था, और तभी उसे कुछ खाने का सामान दिखाई देता है और वो उस खाने का पीछा करते हुए उस बड़ी सी सांप के पास पहुंचता है जो शिप में कैद थी। दरअसल वो जिस खाने का पीछा करके यहाँ पहुंचा होता है वो इसी बड़े सांप के खाने का कुछ अंश होता है। इसके बाद वो बड़ी सांप उससे खुद को आजाद करने को कहती है और बदले में वो उसे ढेर सारा खाना देने का वादा करती है। इस बात पर वो छोटा सांप मान जाता है और वो उस बड़ी सांप के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही बड़ी सांप पिंजरे को तोड़कर खुद को आजाद कर लेती है। इसके बाद वो बड़ी सांप बोलती है कि मेरा बदला लेने का समय आ गया है, और वो उस छोटी सांप के साथ वहां से निकल पड़ती है। अगले सीन में हम पिंक कलर की एक छोटी मछली को देखते हैं जिसका नाम पी होता है। वो किसी से जान बचाकर भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक छोटी सी चट्टान के पास जाकर रुक जाता है। तभी एक बड़ी सी परछाई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन ये कोई बड़ी सार्क नहीं बल्कि पी का बेटा होता है। दरअसल पी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है और ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद पी अपने बेटे के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है जहां उसे एक केकड़ा मिलता है जिसका नाम पियरे होता है, जो वहां की चट्टान पे खड़ा होकर उनके इलाके की निगरानी कर रहा होता है। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली मछली मिलती है। ये पी की माँ होती है जो पी और उसके बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है। वहां से कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें एक नीली और एक तीन आंख वाली मछली मिलती है जो पास के गुफा में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। ये सुनकर पी का बेटा उन लोगों के साथ चलने को कहता है, लेकिन पी उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसने आज अपनी पत्नी केंड्रिया को वादा किया था कि वो उसे बाहर घूमने के लिए ले जाएगा, इसलिए वो अपने बेटे को उन लोगों के पास ही छोड़कर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस बड़ी सार को देखते हैं जिसका नाम ट्रॉय होता है। वो पी के इलाके में आ जाता है और अपनी साथ वाली छोटी मछली से कहता है कि उसे यहाँ पर 1500 से भी ज्यादा अलग अलग नस्ल की छोटी मछलियों की गंध आ रही है जिनका शिकार करके उसे बहुत मजा आएगा। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनके साथ मिलकर पी के इलाके के ऊपर हमला करने का प्लान बनाता है। ट्रॉय की बातें सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो अपनी पत्नी केंड्रिया के साथ एंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर उसकी पत्नी पी को बताती है कि बेशक उन लोगों ने ट्रॉय से छुटकारा पा लिया है, लेकिन फिर भी उसे दिखाना होगा कि एक छोटी मछली भी बहुत कुछ कर सकती है और उसे छोटी मछलियों को लीड करना चाहिए ताकि वो आने वाली मुसीबतों का सामना खुद कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रॉय अपने साथियों के साथ तेजी से पी के इलाके की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वो केकड़ा जिसका नाम पियरे होता है वो ट्रॉय को अपने साथियों के साथ आता हुआ देख लेता है और वो ये बातें सभी को बता देता है। ये खबर सुनते ही सब परेशान हो जाते हैं और अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जब ट्रॉय अपने साथियों के साथ पी के इलाके में आता है तो वो आगे नहीं जा पाता है क्योंकि जहाँ पी छोटी मछलियों के साथ रहता है उस जगह और समंदर के बीच में चट्टानों की एक दीवार होती है जिसे ट्रॉय पार नहीं कर सकता है, इसलिए मजबूरी में उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं जो ट्रॉय को अपने इलाके में देखकर बहुत परेशान होता है। तभी वहाँ पर एक कछुआ आता है जो पी को बताता है कि उसने गहरे पानी में तीन सार को देखा, वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन वो चिंता ना करे, एक बार वो खुद जाकर ट्रॉय से बात करेगा। इसके बाद वो कछुआ चट्टान के दीवार के पास जाता है जहाँ पर ट्रॉय भी होता है। वो ट्रॉय से कहता है कि वो यहाँ से चला जाए और उन छोटे जीवों को अपनी जिंदगी जीने दे। इस पर ट्रॉय बोलता है कि वो लोग अब उससे नहीं बच सकते क्योंकि 4 दिन बाद समंदर में ज्वार आने वाला है जिससे समंदर का पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तब वो उन लोगों पर हमला करेगा और तब उन्हें ये चट्टान की दीवारें भी नहीं बचा पाएगी। इसके बाद वो अपने टेल से चट्टान पर एक जोरदार वार करता है जिससे चट्टान से पत्थर गिरने लगते हैं और कछुए को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, और धमकी देने के बाद ट्रॉय वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी मछलियां पूरी तरह से डरी हुई है। तभी वहां पर कछुआ आता है जो सबको बताता है कि इस बार मामला कुछ ज्यादा गंभीर है, लेकिन वो लोग चिंता ना करें, वो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा। तभी वहां पर पी आता है, वो कछुए के पास जाता है। कछुआ पी से कहता है कि वो चिंता ना करे, इस समस्या का भी कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। इस पर पी कहता है कि ये कैसे संभव है, 4 दिन में ज्वार आने वाला है और वो अकेला ट्रॉय को कैसे रोक पाएगा। इस पर कछुआ बोलता है कि तुम अकेले कहाँ हो, तुम्हारे पास तो तुम्हें चाहने वाले की पूरी फौज खड़ी है, वो तुम्हारी बातों को मानते हैं और उन्हें जरूरत है एक सही कैप्टन की, और वो तुम हो। तुम अगर इन्हें ट्रेनिंग दोगे तो ये युद्ध के मैदान में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। कछुए की बात मानकर पी सभी छोटे छोटे जीवों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। अब एक दिन ट्रेनिंग देने के दौरान एक समुद्री सांप इन्हें देख लेता है और वो इस बात को ट्रॉय को बता देता है। ये बात जब ट्रॉय को पता चलती है तो वो एक प्लान बनाता है। वो उस मछली को जिसने उसे उसके पिंजरे से छुड़ाया था उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है और वो भागते भागते पी के इलाके में आ जाती है जहाँ ट्रॉय नहीं आ सकता, और जब पी ये सब देखता है तो वो उस छोटी मछली को अपने साथ रहने दे देता है, और इस प्रकार ट्रॉय का प्लान कामयाब हो जाता है। और अब पी के बीच में ट्रॉय का एक आदमी होता है जो उनकी पल पल की हर खबर ट्रॉय को देता रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पी सभी छोटे जीवों को युद्ध अभ्यास करा रहा होता है, लेकिन कोई भी खुद पर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और इसी दौरान एक मछली वहाँ खराब पड़े पनडुब्बी के अंदर चली जाती है और अगले ही पल पनडुब्बी में से एक मिसाइल निकलती है जो पास के एक चट्टान से टकराती है जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, लेकिन खुशकिस्मती से इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाती है। अब यहाँ पर वो मछली जिसको ट्रॉय ने जासूसी के लिए भेजा था जिसका नाम रॉनी होता है, वो धीरे धीरे सभी जीवों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो सबका फेवरेट बन जाता है। अब एक दिन जब पी सभी को ट्रेनिंग दे रहा होता है तभी वहाँ पर रॉनी आता है
जो पी से कहता है कि सभी जीवों के पास अलग अलग शक्तियां हैं, तो क्यों ना एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जिसमें सभी जीव अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करेंगे और इस प्रकार सभी को अपने पावर्स के बारे में पता भी चल जाएगा और उसे ट्रेनिंग देने में आसानी होगी। रोनी का ये प्लान सबको बहुत पसंद आता है। इसके बाद एक प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें सभी जीव अपने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोनी ये सारी बातें ट्रॉय को भी बता देता है। रोनी की बात सुनकर ट्रॉय बहुत खुश होता है और कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन और वो उन लोगों को फंसा कर रखे, उनका काम बस होने ही वाला है। अगले सीन में हम पी की वाइफ केंड्रिया को देखते हैं जो पी से कहती है कि अब तुम मेरे साथ नहीं रहते। इस पर पी कहता है कि उसे पूरे इलाके की रक्षा करनी है और ट्रॉय एक बार फिर से उसे हासिल करने की कोशिश भी कर रहा है। यह सुनकर केंड्रिया कहती है कि ठीक है, उसे उस पर पूरा भरोसा है, वो जरूर अपने मकसद में कामयाब होगा। उधर रोनी सभी छोटे जीवों का ऑडिशन ले रहा होता है जहाँ पर सारे जीव अजीबो गरीब कारनामे दिखा रहे थे। वहीं पी अपने कुछ दोस्तों के साथ उस पुरानी पनडुब्बी के अंदर होता है जो अपने खास दोस्तों के साथ मिलकर उस पुराने पड़े जाल की मदद से एक ट्रैप बनाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो ट्रॉय को इसमें फंसा सके। यहाँ पर पी का बेटा अपने एक साथी के साथ वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये सब मिलकर ट्रैप बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रैप बनाने के दौरान इन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन ये हार नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ रोनी अब भी छोटे जीवों का ऑडिशन ले रहा होता है। अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया से मिलने जाता है। केंड्रिया पी से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है कि तुमने देखा कि ऑडिशन में सभी कितने खुश थे, उसने आज तक इन सबको इतना खुश कभी नहीं देखा। इस पर पी कहता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रॉय उन पर हमला करने आ रहा है और उन्हें लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन तभी रोनी पी की बात बीच में काट कर कहता है कि कल ऑडिशन का अंतिम दिन है और उसे लगता है कि उसे इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सुनकर केंड्रिया भी रोनी का समर्थन करती है और कहती है कि हाँ, उन्हें भी अब प्रैक्टिस करने के लिए चलना चाहिए। यहाँ पर सारे जीव अब रोनी का समर्थन कर रहे थे। इस बात से पी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने गुरु कछुए के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अब वो अकेला पड़ चुका है, उसने उन्हें सिखाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि केंड्रिया रोनी का साथ दे रही है। इस पर कछुआ बोलता है कि कोई बात नहीं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो पी को एक जादुई ड्रैगन दिखाता है और कहता है कि अगर तुम इसे कंट्रोल कर लो तो तुम पूरे समुद्र पर राज कर सकते हो, लेकिन एक असली लीडर ही इसे कमांड दे सकता है। ये देखकर पी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद पी वहाँ से सीधा उस जगह पे आता है जहाँ पर उसने ट्रैप बनाया होता है। वह ट्रैप को बहुत मुश्किल से किसी तरह एक्टिवेट कर देता है और अपने दो करीबी साथियों को ट्रैप की रखवाली करने के लिए बाहर तैनात कर देता है और उन्हें सख्त हिदायत देता है कि कोई भूलकर भी उस रेड क्लिप को ना छुए। लेकिन वहाँ पर रोनी छुपकर पी की सारी बातें सुन रहा होता है और वो ये सारी बातें ट्रॉय को जाकर बता देता है, जिस पर ट्रॉय कहता है कि तुम किसी भी तरह से उस ट्रैप को बर्बाद कर दो, नहीं तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद रोनी वहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक मछली मिलती है जो बहुत डरी हुई थी और वो उसे लेकर समुद्र के सतह पर आती है जहाँ वो रोनी को एक सिप को दिखाती है। सिप को देखकर रोनी कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, एक दिन हम इंसानों को भी अपना डांस दिखाएंगे। इसके बाद वो सभी जीवों को इकट्ठा करता है और कहता है कि आज ऑडिशन का फाइनल दिन है, जो भी उस गुफा से रेड क्लिप को सबसे पहले लाएगा वही विजेता होगा। रोनी की ये बातें सुनकर सभी जीव तेजी से गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। दरअसल रोनी इसी बहाने से पी के बनाए गए ट्रैप को बर्बाद करना चाहता था। अब सभी जीव गुफा के अंदर चले जाते हैं और रेड क्लिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर पी के लोग इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा करने में असफल रहते हैं। अगले सीन में हम रोनी को देखते हैं जो सभी जीव को डांस स्टेप सिखा रहा होता है। तभी वहाँ पर पी आ जाता है जो रोनी से कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने जाल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, अब उन पर कभी भी हमला हो सकता है। वो कहता है कि वो यहाँ कर सबको उनके मकसद से भटकाने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि अब उसके जाने का समय हो चुका है। ये सुनकर केंड्रिया बोलती है कि ये कहीं नहीं जाएगा और इस पर उन सबको पूरा भरोसा है कि वो उनका दुश्मन नहीं है और अगर उसे इससे दिक्कत है तो वो यहाँ से चला जाए। ये सुनकर पी पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं जो ट्रॉय के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा क्योंकि पी को उस पर शक हो गया है। इस पर ट्रॉय कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस उन लोगों को नाच गाने में फंसा कर रखो, आगे वो देख लेगा कि उसे क्या करना है। इसके बाद हम पी को देखते हैं जो कछुए के पास जाता है लेकिन कछुआ एक जादुई दुनिया में चला गया था। उधर रोनी अपनी बातों में सबको फंसा कर रखता है। पी कछुए को ढूंढते हुए चट्टान से बाहर आ जाता है पर तभी उसके ऊपर ट्रॉय का हमला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो पी को मारता वहाँ पर कछुआ आ जाता है जो पी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। अब एक दिन रोनी केंड्रिया को डांस सिखाने के बहाने चट्टान के उस पार ले जाता है और वो उसे ट्रॉय के हवाले कर देता है। लेकिन तब तक रोनी को भी समझ में आ जाता है कि वो ये सब सही नहीं कर रहा है। उधर पी कछुए से कहता है कि इस समय उनकी हालत बहुत खराब है, कल ट्रॉय उन पर हमला करने वाला है और अभी तक उनके पास कोई योजना नहीं है। तभी वहाँ पर दो मछली रोनी को पकड़ कर लाते हैं और वो रोनी की पूरी असलियत पी को बता देते हैं। रोनी की असलियत जानकर पी बहुत गुस्सा होता है लेकिन इससे पहले कि पी रोनी को मारता रोनी अपनी गलती मान लेता है और वो अपनी गलती को सुधारने का एक मौका मांगता है। रोनी की बात सुनकर पी उसे माफ कर देता है। इसके बाद ये सभी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपने ट्रैप को एक बार फिर से बनाते हैं और किसी तरह केंड्रिया को ट्रॉय के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि पी केंड्रिया को ट्रॉय के चंगुल से बाहर निकालकर वहाँ से भागता वहाँ पर ट्रॉय के साथी आ जाते हैं जो पी पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो किसी तरह से बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए केंड्रिया को लेकर वहाँ से निकल आता है और जब ट्रॉय के साथी उसके पीछे जाने लगते हैं तो रोनी उन्हें रोक देता है और कहता है कि उन लोगों को उसके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो उनका लीडर है। तभी वहाँ पर ट्रॉय आ जाता है जो रोनी को एक बार में ही खा जाता है।
अगले सीन में हम पी को देखते हैं जो केंड्रिया को लेकर अपने इलाके में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम कछुए को देखते हैं जो धधकते लावों के बीच में से होते हुए एक बड़े से आग की गहरी खाई के पास पहुंचता है और वो उस खाई में छलांग लगा देता है। दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जो अपने लोगों के साथ मिलकर पी पर हमला कर देता है और वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है। और एक पल ऐसा भी आता है जब ट्रॉय पी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एक चमकता हुआ ड्रैगन आ जाता है जिसके सी पर वह कछुआ बैठा होता है जो ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है। ड्रैगन के आने के बाद पी का पक्ष भारी पड़ने लगता है और वो जीतने लगते हैं, लेकिन तभी ट्राई पीछे से हमला करके कछुआ को नीचे गिरा देता है जिससे उसके हाथ से ड्रैगन का कंट्रोल छूट जाता है। अब ट्राई और उन सारे छोटे जीवों के बीच एक खतरनाक युद्ध होता है और इसी फाइट के दौरान ट्राई पी का पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच जाता है और वहां वो पी के द्वारा बनाए गए ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाता है और ट्रैप के एक जोरदार झटके के साथ वो एक जहाज के ऊपर आकर गिरता है। और जब जहाज का कैप्टन ट्राई को देखता है तो वो ट्राई को फिर से एक बार वही सीरम लगा देता है जिससे ट्राई की आंखें फिर से पीली हो जाती है और वो दर्द के मारे वही फड़फड़ाने लगता है। वहीं पी अपनी पत्नी केंडिया को वापस पाकर बहुत खुश होता है और सभी छोटे मछलियां ट्राई से पीछा छूटने पर बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।